दूसरा फायदा बिजली पे जो सब्सिडी दी आज तक जा रही है, हमारा बिल पहले 35-35 सौ रुपये आता था, लेकिन अब जो है 600, 700, 500 इससे ज्यादा बिल नहीं आता। और दूसरी बात यह है सर, तीसरी बात कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, तो बच्चे आके ही कहते हैं कि पापा स्कूल ऐसा हो गया जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, उससे भी बेहतर, मतलब बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं पंखे सारे नए लग गए, और मतलब स्कूलों में बहुत अच्छा कराया उन्होंने सीएम साहब ने कि बहुत ही ज्यादा, हम उनके काम से बहुत खुश हैं और हमें उनसे जरा भी कोई शिकायत नहीं है, और हम ये चाहते हैं आगे को भी जब इलेक्शन होगा तो हम उनके साथ हैं, हर बात से साथ हैं। कभी आप हॉस्पिटल जाके देखे क्या क्या फैसिलिटी? हॉस्पिटल में भी सर पहले सुनते थे कि दवाई बाहर से कहते थे, लेकिन अब सब दवाइयाँ अंदर से ही मिलती हैं। और मैंने उनका एक रोज इंटरव्यू भी देखा था, सीएम साहब खुद गए थे अर्बन हॉस्पिटल की बात है कोई हॉस्पिटल में, तो उन्होंने खुद दवाई की लाइन में लग के ये महसूस करा कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या सुविधाएं हैं। लेकिन हॉस्पिटलों का भी मतलब सब नक्शा बदल गया, अब वो लोग मतलब परेशान नहीं करते, फौरन दवाई दे देते हैं। थैंक यू सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा। दूसरा फायदा बिजली पे जो सब्सिडी थी आज तक जा रही है, हमारा बिल पहले 35-35 सौ रुपये आता था, लेकिन अब जो है 600, 700, 500 इससे ज्यादा बिल नहीं आता। और दूसरी बात यह है सर, तीसरी बात कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, तो बच्चे आके ही कहते हैं कि पापा स्कूल ऐसा हो गया जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, उससे भी बेहतर, मतलब बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं पंखे सारे नए लग गए, और मतलब स्कूलों में बहुत अच्छा कराया उन्होंने सीएम साहब ने कि बहुत ही ज्यादा, हम उनके काम से बहुत खुश हैं और हमें उनसे जरा भी कोई शिकायत नहीं है, और हम ये चाहते हैं आगे को भी जब इलेक्शन होगा तो हम उनके साथ हैं, हर बात से साथ हैं। कभी आप हॉस्पिटल जाके देखे क्या क्या फैसिलिटी? हॉस्पिटल में भी सर पहले सुनते थे कि दवाई बाहर से कहते थे, लेकिन अब सब दवाइयाँ अंदर से ही मिलती हैं। और मैंने उनका एक रोज इंटरव्यू भी देखा था, सीएम साहब खुद गए थे अर्बन हॉस्पिटल की बात है कोई हॉस्पिटल में, तो उन्होंने खुद दवाई की लाइन में लग के ये महसूस करा कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या सुविधाएं हैं। लेकिन हॉस्पिटलों का भी मतलब सब नक्शा बदल गया, अब वो लोग मतलब परेशान नहीं करते, फौरन दवाई दे देते हैं। थैंक यू सर। दूसरा फायदा बिजली पे जो सब्सिडी थी आज तक जा रही है, हमारा बिल पहले 35-35 सौ रुपये आता था, लेकिन अब जो है 600, 700, 500 इससे ज्यादा बिल नहीं आता। और दूसरी बात यह है सर, तीसरी बात कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, तो बच्चे आके ही कहते हैं कि पापा स्कूल ऐसा हो गया जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, उससे भी बेहतर, मतलब बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं पंखे सारे नए लग गए, और मतलब स्कूलों में बहुत अच्छा कराया उन्होंने सीएम साहब ने कि बहुत ही ज्यादा, हम उनके काम से बहुत खुश हैं और हमें उनसे जरा भी कोई शिकायत नहीं है, और हम ये चाहते हैं आगे को भी जब इलेक्शन होगा तो हम उनके साथ हैं, हर बात से साथ हैं। कभी आप हॉस्पिटल जाके देखे क्या क्या फैसिलिटी? हॉस्पिटल में भी सर पहले सुनते थे कि दवाई बाहर से कहते थे, लेकिन अब सब दवाइयाँ अंदर से ही मिलती हैं। और मैंने उनका एक रोज इंटरव्यू भी देखा था, सीएम साहब खुद गए थे अर्बन हॉस्पिटल की बात है कोई हॉस्पिटल में, तो उन्होंने खुद दवाई की लाइन में लग के ये महसूस करा कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या सुविधाएं हैं। लेकिन हॉस्पिटलों का भी मतलब सब नक्शा बदल गया, अब वो लोग मतलब परेशान नहीं करते, फौरन दवाई दे देते हैं। थैंक यू सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा।